हेलो फ्रेंड, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था कि LNME पार्ट वन का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है या क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है, या फ्रेंड जो आपने अभी रिटर्न एग्ज़ाम दिया उसका रिजल्ट कब आएगा, तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखना है एंड तक, तभी आपको जो है सो कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पार्ट वन का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम डेट निकालना है तो आपको सबसे पहले पार्ट टू का प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पार्ट टू एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसके बाद जो है पार्ट वन का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो हम पार्ट टू पे एक बार नज़र मार लेते हैं। तो पार्ट टू का जो थ्यूरी पेपर था ऑनर्स का, वो 8 मई से लेकर 15 मई तक रखा गया था, और थ्यूरी पेपर जो सब्सिडरी का है वो 16 मई से लेकर 7 जुलाई तक रखा गया था। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसी डेट के में जो है बीच में पेपर हुआ था। लेकिन आप यहाँ पे चेक करेंगे प्रैक्टिकल ऑनर्स का जो यहाँ लिखा हुआ है वो है 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई, लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो जब आप चेक करोगे तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा जो प्रैक्टिकल ऑनर्स का जो डेट है वो 3 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक है। तो यहाँ पर दो दिन जो है सो लेट किया गया है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि सब्सिडरी में भी यहाँ पर 2 दिन या तो LNME लेट कर सकता है यहाँ पर, या तो बढ़ा सकता है, जल्दी कर सकता है 2 दिन पहले। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं पार्ट वन के ऊपर। तो जब तक पार्ट टू का जो है पेपर नहीं ख़त्म हो जाता प्रैक्टिकल, तब तक जो है पार्ट वन का पेपर नहीं स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स आप यहां पे चेक कर सकते हो प्रैक्टिकल सब्सिडरी का पार्ट टू का यहां लिखा हुआ 19 जुलाई को जो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप एक्सपेक्टेड लगा सकते हो कि मिनिमम 20 डेट को या तो 25 जुलाई तक को प्रैक्टिकल सब्सिडरी पार्ट टू का ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही पार्ट टू ख़त्म होगा तो पार्ट वन का स्टार्ट कर दिया जाएगा, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है थ्यूरी पेपर तो यहाँ से 10 से लेके 29 जून तक, फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे। लेकिन जो प्रैक्टिकल ऑनर्स लिखा हुआ है 20 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक, तो फ्रेंड्स ये हम कुछ कह नहीं सकते, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन जो है डेट रहने वाला है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का वो इसी के आसपास रहने वाला है, और जो आपका टेंटेटिव डेट और रिजल्ट लिखा है यहाँ पर लिखा है 14 सेप्टेम्बर 2019। तो आप ये ध्यान में रखिएगा बात, या तो 14 सेप्टेम्बर को भी रिजल्ट आ सकता है, या तो 14 के आसपास भी रिजल्ट आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो है सो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा पार्ट वन का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।